When I first saw your face, wait until you're there to try to be with me. Stop being scared, baby. Is this real? 'Cause it isn't. Hey guys, welcome back to my channel. I know अंधेरा हो रहा है क्योंकि it's 4:30. यार आज मेरा मन कर गया कि यार सुबह सुबह व्लॉग बनाते हैं क्योंकि it's like बहुत ज़्यादा टाइम हो गया कि मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं करी है ऑलमोस्ट एक साल. क्यों नहीं करी, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब बताने वाला हूँ इस व्लॉग में. मतलब भाई इतने ज़्यादा दिन हो चुके हैं कि भयंकर मैं तो भूल ही गया था कि भाई व्लॉगिंग चैनल भी है. और इतने दिनों के बाद वो कॉन्फिडेंस से वापस से बोलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. यार बातें तो तुम्हारे साथ बहुत सारी करनी है पर अभी के लिए जो इस व्लॉग में हम बातें करने वाले हैं वो इधर तो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग नहीं आ रही है. देखो यहाँ से मसूरी इतना क्लियर दिखता है ना, कैमरा में इतना नहीं दिख रहा है बट यहाँ से इतना क्लियर दिखता है, बिल्कुल चमक रहा है, लिट चमक रहा है. और मसूरी के व्लॉग्स भी डालूंगा मैं जल्दी एक बार पैसा जाए. पैसा. सो हाँ, तुम सबके यही क्वेश्चन होंगे कि भाई तू इतने दिनों से क्यों नहीं डाल रहा है वीडियो. यार देखो दिक्कतें तो बहुत सारी आई थी बट मैंने काफी चीजें हैंडल कर ली, उन चीज़ों से सीखा. अच्छा तो सिंपल सी बात है कि तो भाई मेरा हुआ था एक्सीडेंट और ये काफ़ी दिनों मतलब काफ़ी महीनों की बात है. और ऑफकोर्स ही बात है यार इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा तो भयंकर मतलब कुछ तो रहा होगा. और इसकी पूरी कहानी तो मैं इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताऊँगा, थोड़ा बहुत बताऊँगा ऊपर ऊपर से कि क्या हुआ, फिर क्या करा हमने, कहाँ गए कहाँ. तो मैं अब थोड़ा बताता हूँ आपको कि एक्सीडेंट तो मेरा स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया था. मैं एक मोड़ थी उसमें बजरी होती है वहाँ पे टर्न ले रहा था तो मैंने टर्न ली और मैं स्किट मार गई गाड़ी क्योंकि स्कूटी के टायर छोटे ही होते हैं तो आपको पता ही होगा कि क्या रहता है सीन. स्कूटी के टायर जैसी स्किट मारे मैं गिरा, फिर मैंने अब कौन चिल्ला रहा, जल्दी से उठा मैं अपने आपको देखा कि भाई ज़्यादा चोट वोट तो नहीं लगी. सो मैंने देखा चोट वोट कि क्या सीन है और देखो थोड़ी बहुत चोट होती तो तुम्हें भी पता है यार कोई घर पे बताता नहीं है एक बहुत ज़्यादा ही. तो हम जल्दी से मैं और मेरा भाई थे मैं हम जल्दी से गए क्लिनिक पे. तो एक यहीं पे पास में क्लिनिक पड़ता है तो वहाँ पे गए थे और उसके बाद उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो इसका वो नहीं हो पाएगा ट्रीटमेंट तो आप कोई बड़े उसमें जाओ. तो हम गए थे तब वहाँ पे इमरजेंसी में इंद्रेश पे. सो हम इंद्रेश में गए, इमरजेंसी में गए, फिर वहाँ पे उन्होंने देखा, फिर उन्होंने बोला डॉक्टर्स वॉक्टर बहुत सारी चीज़ें भी एडमिट हो चुके हैं. दिक्कत देखो यहाँ से दूर कल ऑपरेशन होगा. फिर मेरा ऑपरेशन हुआ. अब किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ, मेरे पैर में एक उंगली बहुत ज़्यादा डैमेज कर गई तो मेरा ऑपरेशन हुआ. हो चुका है ऑपरेशन. मैं 2 महीने के लिए बेड रेस्ट पे था और थोड़ा वायर वो हुई थी, क्या बोलते हैं, वायर इंसर्ट हुई थी 1 महीने के लिए, फिर निकल गई. अब मेरी प्रॉपर कंडीशन अच्छी है भाई. उस टाइम पे लेट मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी. ऑफकोर्स ही बात है यार अगर तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है, जिनका ऑपरेशन हुआ उनको पता होगा कि कैसी हालत हो जाती है. हॉस्पिटल में जब तुम रहते हो और जब तुम देखते हो तो यार आसपास का माहौल इतना हो जाता है ना ख़राब मतलब. एंड अभी तुम आई एम परफेक्टली गुड चुम्मा भाई, टच वुड वुड. सो मैं 2 महीने के लिए लिट 2 महीने के लिए भयंकर बेड रेस्ट पे था और मुझे नहीं पता कि मैंने वो 2 महीने कैसे काटे. और भाई साहब लिट खत्म भाई. पता क्या मतलब जैसे तुम्हारा ऑपरेशन होता है या कुछ भी होता है फिर तब तुम्हें उसकी केयर करनी पड़ती है, फिर सो हर वक्त दिखाने जाना पड़ता है, एक दो दिन बाद दिखाने जाना पड़ता है कि क्या सीन है. थैंक गॉड कि भाई मैं ज़्यादा इंजरी नहीं आई. भाई जिस तरीके से मैं गिरा था ना तुम सोच नहीं सकते कि भाई क्या सीन रहा होगा. मतलब मैं बिल्कुल रोल रोल करके गिरा था. कैनल बोल्ड मेरे यहाँ पे चोट आई थी, इस यहाँ पे चोट आई थी, ये तो कम थी, ज़्यादा चोट नहीं आई थी. बाय द वे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है ये वीडियो आने के बाद. क्या ही होगा, क्या ही होगा, इतने ही मैसेज आएंगे भाई तेरा एक्सीडेंट हुआ था हमें तो पता ही नहीं. पर उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें भी जिसकी वजह से मैंने व्लॉग नहीं डाला, थोड़ा सा मतलब
मन सा यार उतर गया था, मेरा चैनल अभी इस स्टेज में है, अगर मैं वीडियोस डालते रहूँगा अब से रेगुलर तो कर भी सकता और नहीं भी कर सकता है, और अगर नहीं करेगा तो भाई हम करवा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाय द वे यार, जैसा भी था, जितना भी ये एक्सपीरियंस था इसका कि मेरा क्या चीज़ हुई इन महीनों में, मैं आगे शेयर करता रहूँगा। अभी आई थिंक सो मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा। जहाँ तक सपोर्ट की बात है तो तुम दिखाई देना, बाकी तो तुम्हारा भाई यहीं है ही। देखो मैंने अभी ऊपर से ही बताया क्योंकि मुझे कोई भी वीडियो डालनी थी, क्योंकि आपको मैंने बताया मेरा चैनल डेड हो रहा है, तो उसकी वजह से मुझे कोई भी वीडियो डालनी थी, तो मैंने सोचा एक छोटी मोटी वीडियो बना के अपलोड करते हैं फटाफट। तो इसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं करी है मैंने यूज़, बट भाई लोग कह रहे होंगे चिल्ला गिरा, अगली वीडियोज़ आएंगी तो उसमें फुल एडिटिंग होगी, क्योंकि भाई तुम्हें तो पता है तुम्हारा भाई एडिटर है यार, सॉन्ग्स एडिट कर चुका है तुम्हारा भाई। तुमने क्या, एक सेकेंड, तुमने नहीं देखा क्या? यार डिस्क्रिप्शन में लिंक, जाओ सॉन्ग देख के आओ पहले। हट पट 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 यार, अच्छा फील कर रहा हूँ इतने दिनों बाद तुम लोगों से। भयंकर तुम कहाँ चले गए थे यार, तुम लोगों से बात करके अच्छा लग रहा है। क्या पता इसके बाद से या इससे पहले से तुम्हें व्लॉग दिख चुका हो या इसके बाद से तुम्हें दिखेगा, वो मुझे नहीं पता अभी कैसे एडिट करना है यार, क्या डालूंगा मैं, कुछ अभी पता नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।